Mrs. Shalini Kapoor, which floor? Kaun? Shalini madam? Achha. Tum kaun? Main unka relative hoon. Are bhai, relative mein bhi to koi honge. Unka beta. Oh, unke bete ho. Ye lo, entry karo. First floor, flat number 149. Aur suno, लिफ्ट से जाना, सीढ़ियों पर थोड़ा काम चल रहा है और अभी डोर बेल नहीं लगवाए, इसे नॉक नॉक कर लेना। थैंक्स। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लंदन से कब आए? दो दिन पहले आया था, लेकिन पहले मुंबई गया था डैड से मिलने, लेकिन आंटी ने बताया कि वो एक हफ्ते तक नहीं आएंगे। तो तुमने बताया नहीं था उन्हें आने से पहले? बताया तो था, लेकिन शायद उन्हें कुछ ज़रूरी काम था मुझसे भी ज़्यादा। ओ चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, थक गए होंगे। क्या खाओगे? क्या बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो मैं सैंडविच बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, सबसे पहले टॉवल तो दे दूं। लो, फ्रेश हो जाओ। तुम्हें भी अजीब लग रहा होगा ना कि मेरे फ्लैट में कोई फर्नीचर ही नहीं है। अकेले फर्नीचर का करती भी क्या, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा फर्नीचर लेके आऊंगी। चॉइस थोड़ी अजीब है मेरी, बट आई एम श्योर यू लव इट। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ कोई भी दिक्कत हो। तुम जिम विम नहीं जाते क्या? एक तुम्हारी माँ है जो इतनी हेल्थ कॉन्शियस है। खड़े क्यों हो? बैठो। आप ऑफिस नहीं जाएंगे? तुम्हें पता है मैं ऑफिस जाती हूँ। जी, आंटी ने बताया था मुझे। तुम आए हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं मेल कर देती हूँ कि कुछ दिन मैं लीव पे रहूंगी। नहीं, अगर आप मेरी वजह से लीव ले रही हैं तो ऐसा मत कीजिए। अगर मैं ऑफिस जाऊंगी तो तुम अकेले बोर नहीं हो जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, लंच पे चलते हैं, कट्ठे लंच करेंगे। ओके। ये घर की चाबी है, अगर जाना हो तो आसपास चले जाना, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। लंच पे मिलते हैं, बाय। आप दोनों ने कभी कोशिश नहीं की रीयूनियन की? मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। As I know कि अनसेटल्ड चीजें एक ना एक दिन सेटल्ड हो ही जाती हैं, और आप दोनों को तो काफी टाइम हो गया ना एक दूसरे से सेपरेट हुए।
शायद मुझे अभी तुम्हारी इन सब बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो इन सब बातों को समझने के लिए। अच्छा वरुण, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ना? एक बात बताओ, जैसे तुमने सीनियर सेकेंडरी लंदन से किया है, तो अब ग्रेजुएशन कहाँ से करने का इरादा है? मैंने कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी किए हैं। आई होप कि मुझे इस बार हार्वर्ड में एडमिशन मिल ही जाए। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। और अगर एडमिशन हो जाता है तो खर्चा कितना आएगा? ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं है, 25-30 lakhs अप्रॉक्सीमेट। एंड हॉस्टल भी लेना पड़ेगा तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट हाँ, इतने फंड्स अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ऑक्सफोर्ड से ही कंटिन्यू करो, वहाँ अंकल आंटी भी हैं और एक्सपेंसिव भी कम होगा, एंड इट विल बी इजी फॉर मी टू अरेंज। नो, आई हैव टू गो टू हार्वर्ड, एंड नो नीड टू वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज इजीली। अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें लगता होगा सारी गलती मेरी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी वरुण अपनी फैमिली को एक करने की। पता नहीं क्यों तुम्हारे पापा को मैं कभी पसंद नहीं आया। मुझे पता है मुझे ये सब बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। क्या करूं, किससे कहूं, अकेली हूं मैं, अकेला पर खाता जा रहा है मुझे, खत्म होती जा रही हूं मैं अंदर ही अंदर। जब भी तुम्हारे बारे में सोचती तो थोड़ा जी लेती, और है क्या मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब करो, यू माय सन, बेटे हो तुम मेरे। I'm really sorry, मैंने तुम्हें ऑक्सफोर्ड में कंटिन्यू करने के लिए। I'm really sorry, पर चलिए चलिए उठिए यहां से। Can I help you? No, no. देखो मैं क्या बना रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने लंदन में बहुत खाया होगा, तुम्हारी आंटी बता दी थी कि तुम्हें चीज क्रम्पेट बहुत पसंद है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और टेस्ट करो। आप ऑफिस नहीं जाएंगे? आज तो जाना पड़ेगा, आज तो ऑडिट भी है, बजट इशू भी है, आज मैं लेट भी हो जाऊंगी।
तब तक तुम क्या करोगे? आपका वेट। चलो मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मैं तैयार होके आती हूँ। चले गए उस औरत के पास जिसे मैंने कभी पसंद नहीं किया। एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि अगर यूएस में एडमिशन लेना है तो वहां अपनी मां को छोड़कर हमेशा के लिए यहां आना पड़ेगा। और हां, ये प्रॉमिस भी करना होगा कि कभी ना तो तुम उस औरत से मिलोगे ना बात करोगे। मुझे आप एड्रेस बता दीजिए। हाँ, एड्रेस आप लिख लीजिए। शालिनी कपूर। शालिनी कपूर। कपूर के ए पी यू आर। अच्छा। एंड फ्लैट नंबर 149। फ्लैट नंबर 149। ओके। नील गगन अपार्टमेंट्स। नील गगन अपार्टमेंट। मयूर विहार। मयूर विहार। टू। ओके। ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Have a nice day.
And everywhere I go, see you in my mind, staring at the stars, shining down so bright. I never feel so good. मैं हेल्प यू मैडम। मुझे ना अपने बेटे के लिए ना कुछ कपड़े लेने हैं। साइज? साइज हाँ, सुनो, बात सुना? बिल्कुल उसके जैसा है। हाँ, प्लीज। तुम्हारा साइज क्या है? 30 है। कितना हुआ? मैडम आपका हुआ 8,432 रुपये। मैडम पेमेंट कैसे करेंगी, कार्ड से या कैश से? कार्ड। मैडम एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बड़ी हैरानी की बात है कि आप अपने बेटे के लिए कपड़े लेने आए हैं लेकिन आपको उसके शर्ट और वेस्ट का साइज ही नहीं पता। Staring at the stars, shining down so bright, I never feel so good as when I think of you. I miss your smiling face. Why did we have to say goodbye? Don't you cry, 'cause I won't lie. Don't walk away, because थैंक्स फॉर टेस्टी क्रम्पेट्स। इतने अच्छे क्रम्पेट्स तो मैंने लंदन में भी नहीं खाए थे। मुझे यहाँ ना पाकर अब ज़रूर परेशान हुई होंगी, लेकिन मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। आज आफ्टरनून में पापा का कॉल आया था। वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उन्हें बिना पूछे मैं आपसे मिलने आया गया। यू वर राइट, वो आज भी आपको लाइक नहीं करते, लेकिन मुझे रीजन अभी भी नहीं पता कि क्यों। एंड नाउ इट्स अबाउट माई ड्रीम जो मैंने आपसे शेयर किया था, दैट आई हैव टू गो टू US टू गेट एडमिशन हार्वर्ड। मुझे पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं है जो आप इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड कर पाए। ये बात मैंने पापा से भी की थी तो उन्होंने मुझे यही ताना दिया कि अगर अपनी मम्मी के पास रहना चाहते हो तो वही अरेंज करेंगी इतना पैसा, लेकिन अगर मेरे पास मेरे साथ रहोगे तभी मैं तुम्हारे एडमिशन के लिए कुछ कर पाऊंगा।
ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी, कि पापा इजीली सब कुछ अरेंज कर देंगे, इसलिए इमरजेंसी में मुझे उनके पास जाना पड़ा। आई फेल्ट लाइक अ कावर्ड, बट अगर पापा के पास नहीं जाता तो वो नाराज हो जाते। आप पापा से ज्यादा समझदार हैं, इसलिए मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आप मुझे समझ पाएंगी। और हाँ, पापा ने एक प्रॉमिस भी लिया है कि मैं कभी भी ना आपको फ़ोन करूँगा और ना ही आपसे मिलूँगा। आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस मुझसे क्यों लिया, लेकिन एज यू नो आई एम वेरी लॉयल लाइक यू, इसलिए मुझे उनका प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। आप ये भी सोच रही होंगी कि मैं आपसे मिलकर क्यों नहीं गया, क्योंकि ना तो मैं ऐसे जा पाता और ना आप मुझे जाने देती। लेकिन आप परेशान मत हो, क्योंकि प्रॉमिस केवल बात ना करने और ना मिलने का है, लेकिन मैं एवरी वीक या एवरी मंथ आपको अपनी पिक मेल करूँगा। के बीच रहकर अपनी सारी जिंदगी गुजार दें, क्या आप भी यही चाहते हैं?